गोंद और मेथी के लड्डू। हम एक कप आटे के लड्डू बनाएंगे। इसके लिए हमने एक चौथाई कप ये मेथी, दाना मेथी ले ली है। इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। एक चौथाई कप मेथी लिया था, इसे हमने मिक्सी में पीस लिया है। ये बहुत ज्यादा बारीक नहीं होगा, थोड़ा दरदरा ही रहेगा। एक कटोरी में हमने मेथी निकाल ली है। अब इसमें हम एक चौथाई कप ही तिल का तेल डाल देंगे। तिल का तेल या घी कुछ भी डाल सकते हैं आप। तिल का तेल भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम तिल का तेल डाल रहे हैं। एक चौथाई कप तिल का तेल डाला है। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। इसे मिक्स कर ले तेल डाल के अच्छी तरह से। तेल डाल के मिक्स कर दिया है। अब इसमें एक चौथाई कप ही दूध डाल देंगे। दूध डाल के भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। दूध डाल के मिक्स कर लिया है। इस तरह से आप लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। हम एक कप आटा का लड्डू बनाएंगे, इसलिए एक कप आटा में एक चौथाई कप मेथी ले ली है। अब इसे 4 से 5 घंटों के लिए इसी तरह से भीगने दे। मेथी भीग चुकी है। एक चौथाई कप गोंद ले लिया है। गोंद को थोड़ा धूप लगा लिया है हमने। गैस पे कढ़ाई में 4 से 5 टेबलस्पून घी डाल दिया है। सबसे पहले हम गोंद फ्राई करेंगे। एक गोंद डाल के देख ले घी गर्म हुआ कि नहीं। घी गर्म हो चुका है। थोड़े थोड़े गोंद डालें और इसे फ्राई करें। गोंद हो चुके हैं, इन्हें अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह सारे गोंद फ्राई कर लें। गोंद में धूप लगाने से गोंद अच्छा फूलता है। देखिए गोंद हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। सारे गोंद फ्राई कर चुके हैं हमने। गैस को एक बार बंद कर दिया है। इसी घी में अब ये आटा डालेंगे और इसे चलाएंगे। गैस अभी बंद है, थोड़ा घी और डालना पड़ेगा इसमें। गैस को ऑन कर लें, थोड़ा घी और डालेंगे। घी इतना होना चाहिए कि आटा आराम से सिक सके। इस तरह से घी डाल लिया है हमने और इसे लगातार चलाएंगे। गैस को मीडियम फ्लेम में किया हुआ है। घी का ध्यान रखें, घी इतना हो कि आटा आराम से सिक सके। ये देखिए इस तरह से इसे लगातार चलाते हुए सेकेंगे हम। लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे सेकेंगे हम इसे। इससे लड्डू अच्छे बनेंगे। हमें एक कप आटा लिया है। एक कप के हिसाब से सामान हम बता रहे हैं। आपको ज्यादा बनाना हो इतना ही सामान को दुगना करके आप बना सकते हैं। आटा का कलर चेंज होने तक इसे हम सेकेंगे। इसमें से खुशबू भी आने लग जाएगी और इसका हल्का कलर चेंज होने तक इसे हम सेकेंगे। आटे का हल्का कलर चेंज होने तक इसे हम सेकेंगे। मीडियम और लो फ्लेम में इसे सेके, इसे अच्छा सिकेगा। इस तरह से मेथी डाल के लड्डू बनाएंगे तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे और सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। सर्दियों में जोड़ों का दर्द नहीं होगा। एक लड्डू रोज खाएं। आटा सिक चुका है, गैस को
बंद कर दें और इसे लगातार चलाएं। कढ़ाई अभी गर्म है। हमने आधा कप बादाम पीस लिया है, आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं। ये बादाम इसमें डाल दें। जो मेथी हमने भिगोई थी उसे भी इसमें डाल दें। कढ़ाई अभी गर्म है, इसे भी साथ में चला ले। मेथी में इस तरह से दूध डालने से मेथी सॉफ्ट रहती है और दांतों में नहीं लगती है, और इस तरह से लड्डू बनाने से लड्डू कड़वे भी नहीं होते हैं, बिल्कुल अच्छे बनते हैं। आटा गर्म है, साथ में इसे चला ले। ये देखिए मेथी भी इसमें सिक जा रही है। गैस को हमने बंद कर दिया है, इसे साथ में चलाएं। इसी तरह से ये मेथी सिक जाएगी। एक कप आटे में हमने 1/4 कप मेथी ली थी। गोंद और बादाम आपकी मर्जी है, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमने आधा कप बादाम लिया है, उसकी जगह आप कम भी कर सकते हैं बादाम। मेथी भी इसी में सिक चुकी है, देखिए। गोंद को भी थोड़ा चूर लेंगे। ये थोड़ा ठंडा हो गया है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हुआ है। अब इसमें डालेंगे हम ये गुड़। 1 कप आटा लिया था तो 1 कप से थोड़ा कम गुड़ इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो 1 कप गुड़ भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। 1 कप में बिल्कुल थोड़ा सा गुड़ कम डाला है हमने। 1 किलो आटा ले तो आप 900 ग्राम गुड़ ले सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। आटा अभी हल्का गर्म है, ये गुड़ इसी में मेल्ट हो जाएगा। इसे चलाते रहें। ये मिक्स हो चुका है, अब इसे हम गोंद के ऊपर डाल देंगे। इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करें हाथों से। ये इस तरह से मिक्स कर लिया है, और जिस साइज के लड्डू बनाने हो उतना मिक्स ले लें और इसे लड्डू की तरह बनाएं। ये देखिए कितने आसानी से लड्डू बन रहे हैं। इस तरह से सारे लड्डू बना लें। मेथी डाल के गोंद के लड्डू रेडी हैं। गुड़ और मेथी के लड्डू ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सर्दियों में इन्हें बनाएं और खाएं। हम हमारी रेसिपीज बहुत ही सिंपल तरीका के साथ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो आप शेयर जरूर करें। ये लड्डू सर्दियों में खाए जाते हैं। करीब 13 लड्डू बने हैं इसके हमारे। जितने लड्डू बनाने हो उस हिसाब से सामान ले लें। आपको रेसिपी पसंद आए तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।